मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बढ़ती चुनावी तपिश के बीच अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। एक बार फिर कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए दल बदल करने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। देखिए खास रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संकट के बावजूद प्रदेश में सियासी गतिविधियां उफान पर है। अपनों के धोखे के कारण 15 साल बाद हाथ लगी सत्ता को मात्र 15 माह में गवा देने वाली कांग्रेस के निशाने पर इस बार बीजेपी से अधिक उनके पुराने सहयोगी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता लगातार इन नेताओं को गद्दार और बिकाऊ कहकर हमले कर रहे हैं। एक बार फिर पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को निशाने पर लिया है। दरअसल भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अब वक्त आ गया है, गद्दारों और बिकाऊ लालों को सबक सिखाना जरूरी है, श्री अंत श्री अंत श्री अंत। पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने कहा कि प्रदेश में काम कर रही एक जन कल्याणकारी सरकार को चंद गद्दारों ने गिरा दिया, इसलिए जनता इन्हें सबक सिखाएगी। ये देखिए, टिकाऊ ने ये एक जुमला दिया था एक जनसेवक ने, जो कि असूलों पे आंच आए तो टकराना ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से ये जवाब है कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना ज़रूरी है, इन वक्त आ गया है इन बिकाऊ लालों को और गद्दारों को सबक सिखाना ज़रूरी है। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार जो चल रही थी, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम कर रही थी और आम जनता के लिए, जो बिजली के बिल की बात हो, वो सरकार को माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो इन जनसेवकों ने उन माफियाओं के साथ मिलकर भाजपा के हाथों में कठपुतली बन के वो सरकार को गिराने का काम करा। तो मध्य प्रदेश की जनता ने कल ग्वालियर चंबल संभाग में वो अपना कमलनाथ जी को आशीर्वाद दे के बता दिया है कि मध्य प्रदेश में ये बिकाऊ लाल नहीं चलेंगे, मध्य प्रदेश में जनसेवक विकास पुरुष कमलनाथ चलेंगे। कुल मिलाकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल में चुनाव अभियान की भव्य शुरुआत करके अपनी ताकत दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी ऐसे पोस्टरों के माध्यम से बागी नेताओं पर नैतिक बढ़त बनाने में जुटी हुई है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।